साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता नेता सब मिलकर बाड़मेर को संभाग बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप रहे आए हैं जिला कलेक्टर को। तस्वीरें दिखा रहा हूँ कलेक्ट्रेट के बाहर की, प्रदर्शन चल रहा है। अभी भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी प्रदर्शन कर रहे हैं। चलो अपन भाजपा के जिला अध्यक्ष है स्वरूप सिंह जी खारा, इनसे बात करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं और अन्य नेताओं से भी बात करेंगे। सर आज प्रदर्शन कर रहे हो कलेक्ट्रेट में, क्या मांग है? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सदैव चुनाव जब भी नज़दीक आते हैं तब ऐसे ही रेवड़ियां बांटते हैं जब वो सत्ता में होते हैं। 19 जिलों की घोषणाएं कर दी, 3 संभागों की घोषणा कर दी। बाड़मेर संभाग की पात्रता रखता है। जितनी भी चाहे सरकारी कार्यालय है, आबादी के दृष्टिकोण से, संसाधनों के दृष्टिकोण से, आर्थिक आय के दृष्टिकोण से निश्चित रूप से 100% पात्रता रखता है, परंतु पाली जैसे को वो जोधपुर से मात्र 70 किलोमीटर दूर है उसको संभाग बना दिया और बाड़मेर के साथ दोहरा व्यवहार करते हुए, विद्वेष रखते हुए बाड़मेर को संभाग नहीं बनाया। हम सबका आक्रोश है कि बाड़मेर को संभाग बनाया जाए। बाड़मेर के साथ दोहरा व्यवहार जनता सहन नहीं करेगी। ये जनता की पुरजोर मांग उठा करके जनता की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए भाजपा के जिले के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता आज कलेक्ट्रेट के सामने हैं और बाड़मेर संभाग बनाने की हम मांग रखते हैं। सर आज किसके नाम का ज्ञापन सामने आया? राज्यपाल के नाम हमने ज्ञापन दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमारे साथ विद्वेष के भाव से संभाग नहीं बनाया बाड़मेर। हम राज्यपाल महोदय से ये मांग करते हैं कि उनको भगवान शुद्ध बुद्धि दे मुख्यमंत्री महोदय को और ये संभाग की घोषणा करें बाड़मेर की। चलो चलो शिव के पूर्व विधायक जालम सिंह जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। जालम सिंह प्रभारी सर, प्रभारी से बात करते हैं। प्रभारी साहब, सर सर क्या मांग को लेकर आज ज्ञापन सौंपने आए हो? ये बाड़मेर जो है ये देश राजस्थान नहीं, देश के मामलों में भी बहुत मुख्य जिला है और ये संभाग बनना चाहिए, क्यों? ये सीमांत क्षेत्र है, ये पूरे देश की सुरक्षा करता है, इसलिए इसको संभाग का दर्जा मिलना चाहिए। जिस प्रकार से अशोक गहलोत ने ये जो रेवड़ियां बांटी है, आज 19 जिले तो बना दिए, लेकिन उनके लिए वित्तीय व्यवस्था क्या की? एक जिले को कम से कम 500 करोड़ रुपया लगेगा, ये 10,000 करोड़ रुपये लाएंगे कहाँ से? 10 रुपये की इन्होंने बंदोबस्त नहीं की, वित्तीय संसाधनों का बंदोबस्त नहीं किया और 19 जिलों का ये क्या है? ये जनता के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है, ये जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। ये जो अशोक गहलोत अपने आप को जादूगर समझते हैं, मैं ये समझता हूँ कि अशोक गहलोत इस बार ये आपका ये विषय नहीं चलने वाला है। जनता समझ चुकी है और ये बाड़मेर के साथ जो अन्याय किया है, तो संभाग नहीं बनाकर ये सीमांत के साथ, ये भारतीय सीमा के साथ अन्याय किया है, इस अन्याय का भुगतान कर चुकाना पड़ेगा। ठीक, धन्यवाद। बाड़मेर को संभाग नहीं बनाना ये अशोक गहलोत सरकार की मूर्खतापूर्ण नीति का एक परिणाम है। जिस तरीके से उन्होंने हर बार राज में आते हैं, हर बार इस तरह की रेवड़ी अंतिम समय बांटते हैं। बाड़मेर संभाग मुख्यालय को लेकर अपना वाजिब हक रखता था, उसको नहीं बनाने से भारतीय जनता पार्टी और बाड़मेर जैसलमेर सांचौर और बालोतरा के नागरिक आक्रामक है, आक्रोशित है। हम बाड़मेर मुख्यालय पर श्रीमान अशोक गहलोत जी को घुसने नहीं देंगे, उनको बाड़मेर संभाग की घोषणा करनी पड़ेगी, नहीं तो हम शानदार आंदोलन, बड़ा आंदोलन बाड़मेर को संभाग बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर शानदार तरीके से करेंगे। एक ही मांग, एक ही नारा, बाड़मेर हो संभाग हमारा, एक ही नारा, बाड़मेर हो संभाग हमारा, एक ही मांग, एक ही नारा, बाड़मेर हो संभाग हमारा। दिलीप जी पैसा उड़ लेना, दिलीप जी पालीवाल भी अपने साथ है। दिलीप जी सर आज ज्ञापन सौंप रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, क्या मांग है आपकी? ये बाड़मेर को संभाग बनाने की मांग है, उसके संदर्भ में हमारा कहना है कि इस समय में बाड़मेर से जैसलमेर 155 किलोमीटर दूर है, बाड़मेर से बालोतरा जो अभी नया जिला बना है 100 किलोमीटर दूर है, बाड़मेर से सांचौर 135 किलोमीटर दूर है। दूरी के हिसाब से देखें तो बाड़मेर मुख्यालय संभाग की मान्यता को जो मांग है हमारी उसको यथार्थ करता है। अब जोधपुर संभाग है, जोधपुर संभाग हमारे यहाँ से जोधपुर 200 किलोमीटर है और जोधपुर से पाली मात्र 70 किलोमीटर है, तो पाली को तो आपने संभाग बना दिया,
और यहाँ से जोधपुर 200 किलोमीटर है, तो बाड़मेर पात्रता रखता है। इन चार जिलों को मिला के बाड़मेर को संभाग बनाया जाए, ये हमारी मांग है जो न्यायोचित है। अगर इस मांग को नहीं माना गया तो हम आंदोलन करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और अशोक गहलोत की जो इस प्रकार की दोहरी नीति है उसका पर्दाफाश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो साथियों, भाजपा के पदाधिकारी कार्यकर्ता सभी अभी राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए और कलेक्ट्रेट के बाहर इन्होंने प्रदर्शन भी किया है। अभी राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं।